दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है। ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिले पीछे हम है, आगे हमसे सारा जहां, जहाँ देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुकदेव आश्रम पहुंचकर वट वृक्ष की परिक्रमा की, वहीं स्वामी कल्याण देव की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मुजफ्फरनगर के शुक्रताल पहुंचे। यहां पहुंचकर सबसे पहले स्वामी कल्याण देव की 15वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक हुए। यहां पहुंचने के बाद ट्रस्ट के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने स्वामी ओमनाथ के सानिध्य में सीएम सुखदेव गौशाला के विस्तारीकरण का लोकार्पण एवं अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने गायों को गुड़ व चारा खिलाया। यहां सीएम योगी ने पर्यटन विभाग की 20 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जुलाई को मेरठ का दौरा कर कांवड़ यात्रा के दौरान सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परख सकते हैं। बताया गया है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर है। उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों को कांवड़ यात्रा सकुशल सम्पन्न कराने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल और पंखुड़िया बरसाने का बंदोबस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि यात्रा के दौरान डीजे बंद नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ भजन बजाने की इजाजत होगी। फिल्मी गाने कतई नहीं चलेंगे। कांवड़ यात्री बिना किसी परेशानी के यात्रा पूरी कर सके, इसके लिए हरेक जोन, जिला और मंडल स्तर पर विभागीय बैठक करने और आपस में तालमेल बैठाने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री का सहारनपुर जोन का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 29 और 30 जून को कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। योगी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और माइक पर कांवड़ यात्रियों को केवल भजन बजाने की अनुमति होगी। इस दौरान फिल्मी गाना और अश्लील गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परम पूज्य स्वामी कल्याण देव जी की पुण्यतिथि में आज यहाँ शक्तिपीठ में आए और लगातार जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन तमाम धार्मिक स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास हो, धार्मिक दृष्टि से विकास हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश की उन्होंने योजना बनाई है। चाहे काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश हो, उनकी प्रेरणा के अनुसार तमाम उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं, सुखतीर्थ भी उन्हीं में से एक प्रमुख क्षेत्र है और 5000 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास आज यहाँ साक्षात वटवृक्ष के रूप में मौजूद है। यहाँ का इतिहास सिर्फ पन्नों में सिपट कर रह गया, अभी तक यहाँ कोई विशेष नहीं। आज ही माननीय आज कोई सौगात दी उन्होंने, लगातार माननीय मुख्यमंत्री पर्यटन के माध्यम से करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विभाग के द्वारा किया है और लगातार पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान सुखतीर्थ को लगातार एक नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ विकास के रास्ते पर ले जाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है और निश्चित रूप से उन्होंने इस दौरे से पहले ही पूरी योजना बना करके और 2 साल में सुखतीर्थ को प्रमुखता से पर्यटन के रूप में डेवलप करने का काम। गंगा की धारा को लेकर कोई चुकी काफ़ी लंबा एक व्रत योजना सुखतीर्थ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की है और उस व्रत योजना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया है। मैं समझता हूँ जितने भी विषय हैं वो तमाम विषय उसमें और आज जगी है गंगा की धारा आने की, क्या चाहे गंगा की धारा का विषय हो, चाहे चौराहों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे अन्य सुविधाएँ हों, चाहे गौशाला हो, चाहे यात्रियों के लिए विश्राम और विश्राम अध्यय की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम धर्मस्थलों पर और सुखतीर्थ को भी साथ में जोड़ करके विकास कार्य के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार।
जनपद सहारनपुर के बिहारीगढ़ की रहने वाली रीना राठौर उत्तराखंड पुलिस में डीएसपी चयनित हुई है, जहां क्षेत्रवासियों ने रीना राठौर का जोरदार स्वागत किया। रीना राठौर ने उत्तराखंड पुलिस में डीएसपी बनने पर सहारनपुर व उत्तराखंड का नाम रोशन किया। बिहारीगढ़ की रहने वाली रीना राठौर उत्तराखंड के नैनीताल में डीएसपी पद पर नियुक्त होने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। डीएसपी रीना राठौर कुछ ही देर बिहारीगढ़ बाबा लखी शाह बंजारा समाज संगठन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेगी। रुड़की में उप शिक्षा अधिकारी रह चुकी है रीना राठौर, अब डीएसपी पद पर नैनीताल नियुक्ति पद पर तैनात है। जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर डाली। जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए आए दिन अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हैं, लेकिन वही उन्हीं की सरकार में महिलाओं के साथ उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक महिला को बुरी तरह से मारा पीटा, इतना ही नहीं महिला की गर्दन पकड़कर मिट्टी में धंसने का प्रयास भी किया गया। महिला के चिल्लाने पर भी इन जालिमों को रहम नहीं आया। आधा दर्जन लोग महिला के साथ मारपीट करते रहे। जरा आप खुद ही सोचिए, अगर एक महिला अकेली और आधा दर्जन से अधिक लोग उसके साथ मारपीट करे तो उस महिला पर क्या बीतेगी। लेकिन यहाँ तो शर्मसार कर देने वाला मामला यह सामने आया है, जहाँ पर इंसानियत के नाम को शर्मसार कर दिया गया। और अगर इस बारे में पुलिस से बात की जाए तो पुलिस पीड़ित महिला की नहीं बल्कि बदमाशों की जुबानी बोलती नजर आ रही है। आखिर क्या है यह पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव नाला का है। यहां पर महिला की पहले तो दीवार गिरा दी जाती है, फिर जब महिला ने उसका विरोध किया तो आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक अकेली महिला को बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया। इतना ही नहीं उसको सड़क पर घसीट घसीट कर उसका मुंह मिट्टी में धंसने का प्रयास किया गया। महिला ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल अवस्था में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने महिला का उपचार किया। महिला ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जब इस पूरे प्रकरण को लेकर कांधला थाना प्रभारी के CUG नंबर पर बात करनी चाहिए तो उनके नंबर पर अमन सिंह SI नाम के दरोगा ने कहा कि इसका रोज का ड्रामा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके परिवार वालों ने इसको जायदाद से बेदखल किया हुआ है और इसका ऐसा मामला रोज ही देखने को मिलता है। ग्राम नाला थाना कांधला के अंतर्गत एक महिला जिसका की विवाद जो है उसके ससुर और से भी चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद चल रहा है और तब समय से चल रहा है, जिसमें उसके ससुर ने उसे जो है बेदखल कर रखा है और उसके दो बच्चे हैं जो कि अविवाहित हैं, वो भी जो है उस महिला के पक्ष में नहीं रहते हैं। उसमें दीवार बनाने को लेकर उसके जेठ के द्वारा जो है विवाद, उसने जेठ ने मना किया, इसके बाद भी इसने दीवार बनाने का प्रयास किया। इस पर जो है आपस में खासुनी हुआ, उसको जो है पैर में चोट आई महिला को, जिसको थाना कांधला की पुलिस को सूचना मिलने के बाद संबंधित महिला को उसको जो है उपचार के लिए कांधला कोतवाली लाया गया है और PSC वहाँ पर दाखिल किया गया है और तहरीर के बाद जो भी दोषी होगा उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जमीन संबंधित प्रकरण है इस पर अवगत कराया गया है कि जो है इसमें राजस्व विभाग के सहयोग से। जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र में मजदूरी के पैसे मांगने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव नाला निवासी गुलफाम ने गांव के ही अखिलेश के खेत पर कई दिन पहले मजदूरी की थी। शनिवार की शाम को गुलफाम मजदूरी के रुपए मांगने के लिए अखिलेश के घर पर गया था। रुपए मांगने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। शोर शराबा होने पर दोनों पक्षों के लोग मौके पर आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष से गुलफाम, जामिन और यासीन, जबकि दूसरे पक्ष से अखिलेश, राजन और एक महिला सरिता पत्नी रोहताश घायल हो गई। सभी घायलों ने अपना अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चों का विवाह था, उसी में जो है बड़े लोग भी शामिल हो गए और उसी में
जिस दोनों पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, उस पर जो है हमारी पुलिस सूचना मिलने पर पहुंची है, टायर इंटर की पुलिस और कोतवाली मामला की पुलिस। इसमें दोनों पक्षों को लेकर जो मजरूह के जो थाने ले आई, एक तरफ से 3 लोग मजरूह हैं, दूसरे तरफ से 3 लोग मजरूह हैं जिनका मिशन कराया गया है, और दोनों की तरफ से जो तहरीर मिली है उसी के आधार पर थाना कदला कोतवाली में उनका अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। और जो जनपद बागपत के कहरका गांव में एक शातिर ठग ने छात्रों से हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा दिलाने के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए। कहरका गांव निवासी दो छात्र मोहित पांचाल व केशव पाल ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि बीएससी के अजय शर्मा ने लगभग 4 साल पहले हाईस्कूल की परीक्षा कराने के नाम पर 11,400 रुपए लिए थे। आरोपी ने न तो आज तक छात्रों को परीक्षा दिलाई है और न ही पैसे वापस दिए। छात्र मोहित ने बताया कि आरोपी ने इस तरह से गांव के दर्जन छात्रों से ठगी कर रखी है। उसने चमरावल गांव में फर्जी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल रखा है जिसमें वह महिला शिक्षिकाओं को रखा हुआ है अगर कोई छात्र पैसे मांगने इंस्टीट्यूट में जाता है तो छात्रों पर शिक्षिकाओं को छेड़छाड़ का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दे देता है, जिसके चलते यह ठग अपनी मनमानी कर रहा है। इंस्टीट्यूट के पास ग्रामीणों में कपिल ने बताया कि यह इंस्टीट्यूट लगभग 8 साल से है। इसमें कई छात्र कंप्यूटर सीखने आते हैं। इसमें अजय शर्मा लोगों की फर्जी मार्कशीट टीसी आदि का काम करता है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन छात्रों द्वारा इसके साथ झगड़ा होता रहता है। साथ ही चमरावल गांव के अंदर वासुदेव कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। आरोपी फर्जी तरीके से छात्रों को ठग रहा है। हुआ ये था कि मैं 10th क्लास में फेल हो गया था 2 सब्जेक्ट में, तो उसी से सन में सन 2015 में जी, तो लगभग 4 साल हो गए। उनसे बात हुई थी कि एग्जाम दोबारा कराया जाएगा। किससे? यहाँ पे बसी के रहने वाले अजय शर्मा, तो उन्होंने चमरावल गांव में अपना सेंटर खोला हुआ है, तो उन्होंने हमें बताया कि मैं करा दूंगा, पैसे लगेंगे, तो हम उनके झांसे में आ गए और उन्हें पैसे भी दे दिए। और लगभग 4 साल हो गए, कोई उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वो पैसे के लिए जाते हैं तो उनके सेंटर पर 3-4 लड़कियाँ रहती हैं गाँव हरसा की, उन्हीं के सेंटर पर। किस जगह सेंटर? सेंटर ग्राम चमरावल में। अच्छा, तो अगर हम उनसे बातचीत करते हैं या उनको पैसों को बोलते हैं तो थाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ के लड़की छेड़ते हैं, लड़के मतलब हमें ब्लेम करते हैं कि ये लड़की छेड़ने आ रही है। तो इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया हम जाते हैं, लेकिन हमें कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। उसके लगभग कितने रुपये हैं तुम्हारे? उसके पास मेरे 3,400 रुपये हैं और इनके 5,000 रुपये हैं जो कि इन हैंड दिए थे उन्हें हमने। कल हमने उनको पकड़ा भी था, उनसे बात भी हुई थी, लेकिन वो देने को राजी नहीं है। कई बार उनको बोला भी गया है, गांव में भी आए थे वो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और हमको धमकी दे रहे हैं। मेरे पास उनकी वीडियो भी हैं जिसमें वो धमकी देते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या धमकी देते हैं? उन्होंने कहा था कि मैं 20 तारीख का उन्होंने टाइम दिया था मुझे कल वीडियो बनाते समय, तो उन्होंने कहा मेरे को कि 20 तारीख शायद तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात हो। अच्छा। तो इसी के लेते हुए मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ सख्त कार्रवाई हो और मैं अपना जो भी है मेरे साथ जो बदसलूकी वो कर रहा है। जनपद बागपत के बड़ोद कोतवाली क्षेत्र में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। बागपत के बड़ोद कोतवाली क्षेत्र में लूट के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने ट्रैक्टर लूट की वारदात को अंजाम दिया और जब ट्रैक्टर चालक ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली ट्रैक्टर चालक की छाती में लगी है जिससे उसकी गंभीर हालत बनी हुई है। बड़ोद के एक अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने मरीज को दिल्ली रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची बड़ोद कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर तो बरामद कर लिया है, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दरअसल घटना बीती रात बड़ोद थाना क्षेत्र के जोनमाना गांव के जंगल की है, जहां भीम सिंह नाम का ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर बड़ोद जा रहा था। जैसे ही चालक बड़ोद के निकट कोताना रोड पर पहुंचा तो बदमाशों ने ट्रैक्टर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं जब चालक ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली ट्रैक्टर चालक की छाती में लगी जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया है। बड़ोद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों के बारे में जानकारी नहीं लग पाई।
एक पेशेंट आया था हमारे पास, भीम सेन नाम था। वो बता रहे थे कि ट्रैक्टर चालक है और उन्हें सीने में गोली लगी थी, बिल्कुल स्टर्नम के राइट साइड में, बिल्कुल राइट स्टर्नल बॉर्डर पर कह सकते हैं। और पीछे से जाता हुआ वो कुछ दिख नहीं रहा था। इसका मतलब कि हमें लग रहा था कि जैसे मल्टीपल इंजरीज हो अंदर में ना, तो हमने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी, जो जरूरी फर्स्ट एड था वो हमने किया यहाँ पर। और फिर आगे के लिए हमने कहा कि आगे बढ़े किसी हॉस्पिटल में जाके इनका ऑपरेट वगैरह हो। कितने घाव थे? गोली एक ही मारी गई? गोली एक ही मारी गई थी और उनकी सांस वगैरह फूल रही थी। उस सारी चीज़ों को हमने स्टेबलाइज किया। जब पेशेंट कुछ सुधारक स्थिति में पहुंचा तो हमने किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। जनपद बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में मजदूर की मौत के मामले में ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगा दिया। दरअसल थाना क्षेत्र के बामनोली गांव में सुबह मुजफ्फरनगर बड़ोत मार्ग पर एक कैंटर व जुगाड़ की भिड़ंत हो गई, जिनमें अनुज नाम के एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हाईवे पर जाम लगा दिया और मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। इस दौरान मुजफ्फरनगर बड़ोत हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी महफोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्रामीण और परिजनों को किसान मजदूर दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5,00,000 रुपए दिलाने का आश्वासन दिया, साथ ही 30,000 रुपए की तत्काल आर्थिक मदद की, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। वही अधिकारियों ने भी सरकारी मदद के लिए पत्र भेज दिया है। जाम हमें सुबह जो है एक ट्रक वाला हमारे 4-5 लोगों को घायल कर गया, एक की मृत्यु हो गई और 3 जो है बिल्कुल गंभीर हालत है, जो है वो है अस्पताल में पड़े, एक को जो है रेफर कर दिया गया दिल्ली के लिए। और अब इसलिए जाम लगा था कि इन मजदूरों को जो है कुछ मिल जा, ये सुबह निकलते हैं घर से रोटी बांध के, इनके घर कुछ 2 रुपये, इन्हें बच्चों को कुछ खिलाने के लिए नहीं, तो इसीलिए जाम लगा था कि इन्हें कुछ आर्थिक मदद हो जा। क्या हुआ फिर अधिकारी है मौके पर? अब सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि पर्चे पर लिखवाया, अब 5 लाख का मजदूर किसान मजदूर का जो क्लेम है वो दुआओगे और जो रोड क्लेम है वो दुआओगे और दोबारा 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी कराएंगे, पेंशन भी कराएंगे, जो विधवा पेंशन है वह भी कराएंगे और जो अस्पताल में पड़े हैं उनका फ्री इलाज कराएंगे, चाहे हम अपनी तरफ से करना पड़ो। उसके बाद सीओ साहब ने जो आश्वासन दिया, सुबह एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, 3 मजदूर घायल हो गए थे, रेफर करा दिया गया। लोग आगे गरीब लोग हैं, कुछ आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, जो आश्वासन दिया गया 5 लाख की चिकित्सक दुर्घटना बीमा दिलाया जाएगा, 30,000 का परिवार को लाभ मिलेगा, तब तक दिया जाएगा। एक बात और भी जो युवा पैसे जो लाभ मिलते हैं, सब सरकारी लाभ इसको दिया जाएगा, मान लिया जाओ। मीरापुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के आजिज आकर आत्महत्या करने वाले नीरज के परिजनों को 1.5 लाख का चेक देने पहुंचे अधिकारी का लोगों ने खरी खोटी सुनाकर वापस लौटा दिया। मीरापुर में विद्युत विभाग के पीड़न से त्रस्त होकर बिजनौर कलेक्ट्रेट में जहर खाकर आत्महत्या करने वाले नीरज के घर विद्युत विभाग के एक्सीएन 1.5 लाख रुपए लेकर पहुंचे। परिजनों ने एक्सीएन को खरी खोटी सुनाते हुए बिना रुपए लिए वापस लौटा दिया। करीब 5 दिन पहले मीरापुर के पंजाबी कॉलोनी निवासी नीरज पुत्र सुखबीर सिंह ने विद्युत विभाग के जेई व अन्य कर्मचारियों तथा तहसील के संग्रह अमीन के उत्पीड़न से त्रस्त होकर बिजनौर कलेक्ट्रेट में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान उसने एक साइड नोट में विद्युत विभाग के जेई विनीत सैनी, SDO भुवन राज सिंह, जेई मीटर सर्वेश सिंह, गौरव तेजयान व तहसील के संग्रह अमीन अजय गर्ग समेत 8 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। नीरज की मौत के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया था तथा मृतक के परिजनों ने सभी आरोपियों के विरुद्ध बिजनौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद शनिवार को विद्युत विभाग के एक्सीएन विनोद कुमार मृतक नीरज के आवास पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को नगद 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की पेशकश की, जिस पर परिजनों ने एक्सीएन विनोद कुमार पर जेई व SDO समेत सभी कर्मचारियों का बचाव करने
करने का आरोप लगाते हुए एक्सएन विनोद कुमार को खरी खोटी सुनाई और उसने आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया तथा एक्सएन को खाली हाथ ही वापस लौटा दिया। परिजनों ने एक्सएन पर भी गंभीर आरोप लगाए। मृतक के भाई धीरज ने एक्सएन को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि मरने से पहले मेरा भाई न्याय के लिए आपके पास भी गया था, किंतु उस वक्त आपने कोई सुनवाई नहीं की। जनपद शामली के सदर कोतवाली पुलिस ने 20,000 के शातिर बदमाश को मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा, जिसके कब्जे से बाइक, मोबाइल व अवैध असलहा बरामद किया गया। शामली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शामली पुलिस ने एक शातिर किस्म के बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, मोबाइल व भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया है और पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश का नाम जाबिर है, जिस पर लूट, डकैती व छिनौती के कई मामले दर्ज हैं, जिसमें जाबिर पुलिस से बचकर अपना जीवन बिता रहा था। पुलिस को भी जाबिर की तलाश थी। पुलिस को मुखबिर से जाबिर के छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया और थाने ले आई। बदमाश जाबिर के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, एक मोबाइल फोन व भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने शातिर बदमाश जाबिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। ये थाना कोतवाली, जो हमारी थाना कोतवाली की पुलिस है शामली जनपद की, उसको सफलता मिली है। चार मुकदमों में वांटेड था ये बदमाश और पिछले काफ़ी दिनों से वांटेड चल रहा था। इस पे 20,000 का इनाम रखा गया था। बलवा गांव का ये निवासी बताया जा रहा है। इस अपराधी को हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और ये जाबिर नाम है इसका। जाबिर नाम का ये अपराधी, इस पे 17 मुकदमे दर्ज हैं और ज़्यादातर मुकदमे चोरी, छिनैती और लूट के इस पे दर्ज किए पाए गए हैं। 307 के भी अपराधों में संलिप्त रहा है। तो ये 20,000 का इनामी अपराधी को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और इसके और गैंग के मेंबर्स पे भी तहकीकात की जा रही है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, और हमने आज इसको जेल भेज दिया है और इसमें कोतवाली पुलिस का अच्छा भूमिका रहा है। सर, किस तरीके से शिकंजे में आया है पुलिस के? इसकी सूचना मिली थी, ये न्यायालय में तारीख पे भी आने की इसकी सूचना थी और इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी और मौका मिलते ही इसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये पहले ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था, इसी कारण से इस पे चार टीमें लगाई गई थी और 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, परंतु मुखबिर की सटीक सूचना मिली और हम लोगों ने इसको दबोच लिया, आज इसको जेल भेज दिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय बच्ची को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल मामला मीरापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक 6 वर्ष की छोटी बच्ची खेल रही थी कि एक बाइक सवार ने तेज गति से बाइक से टक्कर मार दी, इससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि जैसे ही बाइक से बच्ची को टक्कर लगी तो बच्ची दूर जाकर गिरी। आसपास के लोग बच्ची को उठाकर उपचार के लिए लेकर गए, जहां बच्ची को उपचार दिया जा रहा है। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार मौके से फरार हो गया। मामला थाने के निकट रहने वाले हुकुम सिंह की 1 वर्षीय पुत्री काजल को तेज गति से आ रही बाइक सवार ने सीधी टक्कर मार दी, जिससे बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। आसपास के लोगों ने बच्ची को उपचार के लिए मुजफ्फरनगर स्थित प्राइवेट चिकित्सक के यहां भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर नशे में धुत कार सवार ने 2 कारों में टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। मीरापुर में ऑल्टो कार सवार शराबी युवकों ने थाने के समीप ही 2 कारों में तेजी से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दूसरी कारों में सवार 2 बच्चे व 3 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। शनिवार की शाम एक ऑल्टो कार में सवार शराबी युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। शराबी युवकों ने थाने के निकट दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर शर्मा धर्म कांटे के सामने विपरीत दिशा से आ रही 2 अलग अलग कारों वैगनार व सियाज में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों कारों के साथ साथ ऑल्टो कार भी क्षतिग्रस्त हो गई तथा सियाज कार में सवार दिल्ली से नजीबाबाद जा रहे नजीबाबाद निवासी राहुल पुत्र गौतम व जितेंद्र पुत्र चमन सिंह घायल हो गए। वहीं वैगनार कार में अपने परिवार के साथ मीरापुर से चुड़ियाला जा रहे शानवर पुत्र इसरार के साथ के 2 बच्चे साद व सोनी
बहन नजराना, पत्नी मुमताज तथा मां रिजवाना गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना ही नहीं, दुर्घटना के बाद शराबी युवकों ने वैगनार सवार घायल शाहनवाज के साथ मारपीट भी की। इस दौरान भीड़ इकट्ठी हो गई और शराबी युवक कार छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर मीरापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा घायलों को उपचार के लिए भिजवाया व ऑल्टो कार को कब्जे में ले लिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में थानाध्यक्ष द्वारा आगामी कावड़ यात्रा को लेकर ग्राम प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया। मीरापुर पुलिस ने कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मीरापुर क्षेत्र के प्रधानों व गणमान्य नागरिकों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। लोगों से प्रेम व भाईचारे के साथ कावड़ यात्रा में सहयोग करने की अपील की गई। थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में क्षेत्र के ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, पूर्व प्रधान, राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। मीरापुर इंस्पेक्टर पंकज त्यागी ने कावड़ यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा करते हुए कहा कि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने लोगों से नए स्थानों पर कावड़ सेवा शिविर नहीं लगाने को कहा। उन्होंने क्षेत्र में कावड़ सेवा शिविर लगाने वाले सभी लोगों से कहा कि सड़क से काफी दूर पर कावड़ शिविर लगाएं ताकि पैदल चलने वाले शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े तथा कावड़ यात्रा में सहयोग करने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन के साथ साथ कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्य लोगों से कावड़ यात्रा को सफल बनाने में सहयोग की अपील की गई। सड़क को साफ सुथरा रखने, कावड़ यात्रा में सहयोग करने की अपील की गई। मीरापुर इंस्पेक्टर पंकज त्यागी ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कोई भी संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। पुलिस ने बैठक में आए लोगों से सुझाव मांगे व उनके सुझाव सुनकर उनका जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान पानी व बिजली की व्यवस्था पर नगर पंचायत कर्मचारियों व विद्युत विभाग के कर्मचारियों व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की। कावड़ यात्रा के दौरान सफाई, पेयजल, बिजली आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था रखने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान मुख्य रूप से हाजी महबूब, चेयरमैन पति जहीर कुरैशी, भरत सिंह, कादिर राव, अशोक प्रधान सहित आदि कई लोग मौजूद रहे। जनपद शामली के ऊन ब्लॉक में एसआईएस सिक्योरिटी सर्विस द्वारा सुरक्षा गार्ड व सुपरवाइजर की भर्ती हेतु रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि खबर जनपद शामली के उन ब्लॉक परिसर की है जहां ब्लॉक परिसर में एसआईएस सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की ओर से कैंप लगाया गया जिसमें सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर की भर्ती की गई, जिसमें करीब 400 लड़कों ने भाग लिया व 35 से अधिक लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। एसआईएस सुरक्षा एजेंसी के राकेश चौधरी भर्ती अधिकारी ने बताया कि आज उन ब्लॉक परिसर में एसआईएस की तरफ से कैंप लगाया गया जिसमें सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर की भर्ती की गई। इस भर्ती में 10वीं व 12वीं पास, उम्र 20 वर्ष से 35 वर्ष तक नौजवान लिए गए। राकेश चौधरी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए 250 रुपए लिए जाते हैं और सुरक्षा जवान की ट्रेनिंग के लिए जो एक महीने की होती है 9500 रुपए लिए जाते हैं। वहीं सुपरवाइजर की ट्रेनिंग 2 महीने की होती है, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग के लिए 20000 रुपए लिए जाते हैं। राकेश चौधरी ने बताया कि बेरोजगारी युग में बेरोजगार लड़कों के लिए निजी अपना भविष्य बनाने का अच्छा अवसर है। रोजगार मेले में करीब 400 लड़कों ने आवेदन किया जिसमें से शारीरिक मापदंड व लिखित परीक्षा के बाद करीब 35 लड़कों का चयन किया गया। चयनित उम्मीदवारों को 1 महीने का प्रशिक्षण के उपरांत भारत सरकार एवं राज्य सरकार व निजी क्षेत्रों में स्थायी नौकरी दी जाएगी। अगला कैंप 15 जुलाई को थाना भवन ब्लॉक परिसर में एवं 16 जुलाई को शामली ब्लॉक परिसर में लगेगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड साथ में लेकर पहुंचे। सुरक्षा जवान के लिए 10वीं पास व ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, उम्र 20 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। 15 जुलाई को थाना भवन ब्लॉक परिसर में व 16 जुलाई को शामली परिसर में इच्छुक लड़के अपने किस्मत आजमाएं। आज के उन ब्लॉक में समथिंग 400-450 के आसपास लड़के आए, टोटल आवेदन किया जिसमें से सर अभी 35 के आसपास सिलेक्शन हुआ है। सर आवेदन के लिए जो शुल्क लिया था कितना लिया? 250 रुपए सर। जो लड़के यहाँ पे आवेदन करते हैं फिर उनको ब्रीफ करते हैं, ब्रीफ करेंगे, नापतोल करने के बाद जो हमारे सिलेक्टेड लड़के होते हैं उन्हीं में से जैसे 450 में से 35 लड़कों को सिलेक्ट हुए, उन्हीं से 250 रुपए लिए गए सर। जी सर, थोड़ा एजेंसी के बारे में बताइए। सर एसआईएसआई का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड है जो 22 सितंबर 1974 से अपने देश में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में सिक्योरिटी प्रदान करता है।
सर ये जब शुरुआत हुआ था 14 रिटायर्ड फौजियों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, आज वर्तमान में सर इसमें 2 लाख से ऊपर स्तर के कर्मचारी काम करते हैं। सर देश में इसके 21 प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाती है। जो लड़का इसका ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है उसको SIS 65 वर्ष की उम्र तक का स्थायी रोजगार देती है। सर जैसे आपने बताया कि जो सिलेक्शन लड़कों का जिनका हो रहा है जी, उनको ट्रेनिंग में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा जी। सर उन लड़कों से 9,500 रुपये लिए जाएंगे जी, उसका थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में। सर जैसे लड़के यहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं उनके बाद में जो वो ट्रेनिंग सेंटर रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे इनका 1 महीने का जो ट्रेनिंग होता है उसमें जो यूनिफॉर्म किट होता है, जो 1 महीने का रहना खाना होता है, उसके 9,500 रुपये अदा करना पड़ता है। जब ये ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं सफलतापूर्वक तो इनको 65 साल की उम्र तक का जो रोजगार मिलता है। सर लड़कों की जैसे सिलेक्शन ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी पे लग गए, आप कहीं प्राइवेट में लगते हैं कि सरकारी में लगते हैं जी, तो उनका पैसा एजेंसी देगी या वैसे खुद देंगे? सर SIS खुद देते हैं, जैसे हम इनको ट्रेनिंग देने के बाद में SIS ब्रांच में भेज देते हैं, ब्रांच जहाँ पे सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में इनको पोस्टिंग देती है वहाँ से जब ये ड्यूटी करते हैं तो उनका सैलरी SIS इनके खाते में भेजती है। तो ये जिले में करती है जो पोस्टिंग होती है या कहीं भी कर सकती है? नहीं सर, हम दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर से इनका फर्स्ट पोस्टिंग हम दिल्ली गुड़गांव में करेंगे। अगर कई लड़के जैसे हमारे यहाँ जगह मेरठ ब्रांच पड़ता है, करनाल ब्रांच पड़ता है, गाजियाबाद ब्रांच पड़ता है, अगर वहाँ पर भी कुछ जगह खाली होगी तो हम वहाँ पर भी भेजेंगे। सर उनके जो खाने का और रहने का इंतजाम है वो एजेंसी करती है या खुद करना पड़ता है? नहीं सर, वो यूनिट पे डिपेंड करता है, काफ़ी यूनिटों में रहना खाना दोनों चीज़ें फ्री मिलती है, कई जगहों पे नहीं मिलता है, वहाँ पे SIS इनको बैरक उपलब्ध करवाती है जिनका सर इनका 300 रुपये से 800-900 रुपये चार्जेबल भी रहता है। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। कस्बा मंडावरा में थाना सोजना में बगैर संयोजन के बिजली उपभोग करते हुए 5 ग्रामीण चेकिंग के दौरान पकड़े गए। स्थानीय अवर अभियंता द्वारा सोजना पुलिस को सौंपी गई तहरीर में बताया कि उपखंड अधिकारी महरोनी के निर्देशानुसार गुरुवार को विद्युत राजस्व वसूली एवं बिजली चोरी रोको अभियान के तहत कस्बा सोजना में अवर अभियंता चंद्रशेखर के नेतृत्व में विभागीय टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कस्बे में प्राथमिक विद्यालय के सामने फोटोकॉपी संचालक हरगोविंद पुत्र दशरथ साहू, फोटोकॉपी एवं कंप्यूटर सेंटर संचालक हेमेंद्र पुत्र रामकिशोर साहू, कमलेश पुत्र हरज्ञान आदि कई लोगों को अपने प्रतिष्ठानों में बगैर संयोजन कटिया डालकर बिजली चोरी करते पाए गए। तहरीर के आधार पर सोजना पुलिस के द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। मंडावरा में एक दलित ग्रामीण को कोटेदार से निर्धारित मात्रा के अनुसार राशन मांगना महंगा पड़ गया। थाना मंडावरा अंतर्गत ग्राम रमेश्वरा निवासी नंदराम अहिरवार ने उपजिलाधिकारी को सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि शनिवार को उसका पुत्र नीलेश सैदपुर स्थित राशन की दुकान पर राशन लेने गया था, जहां कोटेदार द्वारा 2-3 किलोग्राम राशन कम तौल कर दिया जा रहा था। कोटेदार द्वारा घटतौली किए जाने का विरोध करने पर कोटेदार और उसके पुत्रों द्वारा नीलेश के साथ गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट की गई। गौरतलब है कि ग्राम रमेश्वरा की राशन की दुकान पिछले 2 वर्षों से सैदपुर स्थित राशन की दुकान पर अटैच है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। मैं बच्चा आज 11:30 बजे की लगभग राशन की दुकान सैदपुर पर गया था, उन्होंने कम तोल दी, 2-3 किलो कम दिया, तब बच्चा ने उसका विरोध किया कि मुझे पूरा हमारा राशन दीजिए, तो उन्होंने 2-3 थप्पड़ खींच के मार दिए, माँ बहनों की गाली दी, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, बोले जहाँ आपको जाना है वहाँ जाइए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पहले से भी ये व्यक्ति दमंग है। हमारा कोटा आज से 2 साल पहले से सैदपुर में अटैच है। सिंह तनय महेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह तनय भूमन सिंह के बेटा है बच्चे ने, तो हाँ सब थाने में मड़ावरा में भी की, SDM साहब को, श्रीमान जी को, जिलाधिकारी को, मड़ावरा को भी बताया। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए हलचल इंडिया।